जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम कुछ देखेंगे, मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन, कल उस दिन बात हुई थी कि अगर हम कॉल पे बात करते हैं और दोनों साइड से होती है तो उसे फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। वन साइडेड होंगे तो हाफ डुप्लेक्स होंगे, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स डुप्लेक्स ट्रांसमिशन संपर्क को एक समय पर एक दिशा तक सीमित रखता है। ट्रू और फॉल्स, एक समय की बात की गई, एक सीमा की बात की गई। अभी जब समझाया हूँ तो वन साइडेड होगी। डब्ल्यू डब्ल्यू के फाउंडर कौन है? तुम्हें नहीं बोलना है बिल्कुल। टिम बर्नर ली, ठीक है। कह रहा है इंप्रेस में फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस जब कहा जाता है ना तो रिप्लेस की ही बताई जाती है, फाइंड की नहीं बताई जाती है, क्योंकि फाइंड एंड रिप्लेस दोनों एक साथ आए तो रिप्लेस की ही बताए जाएंगे। तो कंट्रोल प्लस एच होगा। अगला है, राइटर डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे कौन सी पट्टी होती है? टास्क बार बार कौन बोला है? हाथ उठाए, स्टेटस नहीं गलत है, स्टेटस बार होता है। क्या होता है? चलो, टास्क बार तो सबसे नीचे होता है। डॉक्यूमेंट की बात की जाएगी तो डॉक्यूमेंट के नीचे क्या होता है? स्टेटस बार होता है। करें, कल तुम्हें कितने टाइप के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं? कितने होंगे? छह। और कोई? बस। और कोई बदल नहीं लिए? 10 होगा, 10। ना अभी है ही नहीं उसमें। होगा। अगला है, यूडेमी क्या है? व्हाट इज यूडेमी? ये सॉफ्टवेयर रोबोट है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स है, या नन ऑफ दिस? ई कॉमर्स। और कोई? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। देख लीजिए, एक ई लर्निंग, हाँ, यूडेमी को अन अकेडमी बोला जाता है, ठीक है, अन अकेडमी बोला जाता है। अन अकेडमी क्या है? एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगला, इंटरनेट पर मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? बिना देखे बता दीजिए आप। एसएमटीपी। एसएम टीपी। मैंने बोला ना, बस बैठी रहो, कुछ बोलना नहीं है तुम्हें। हम नेक्स्ट टाइम बोलो फिर बताता हूँ क्या होगा। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद आ रहा है ना? काफी जिस जिस शब्द में एसपी का यूज किया था, सब रिक्वायर था। मैंने आईएसपी का फुल फॉर्म लिखवाया था, एसएमटीपी का यूज किया था, और रिसीव करने के लिए याद है पीओपी का बात हुआ था। एसएमटीपी, आईएसपी, आईपी, टीसीपी, सब याद आ रहा है ना? तो आईएसपी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें पढ़ाई गई यहाँ, ठीक है। करें, डिमांड ड्राफ्ट वो चेक इंटरनेट बैंकिंग के उदाहरण है। डीडी, डिमांड ड्राफ्ट एंड चेक की जान से एग्जाम्पल आप इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की एग्जाम्पल है। क्या होगा? फॉल्स होगा। आईईएमईआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन सी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन। आईएमईआई नंबर होता है आप लोग का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है, इंफॉर्मेशन नहीं होता है। इंफॉर्मेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पहचान की बात हो रही है। सबका आईएमआई नंबर अलग अलग होता है, इससे आप फोन को क्या कहते हैं? पहचान सकते हैं। यहाँ पहचान की बात हो रही है, इसलिए इंफॉर्मेशन नहीं, आइडेंटिटी होगा। और आईएमआई नंबर करने के लिए आपको स्टार है, 06 है दबाते हैं। अगर आप अपने फोन में डायल करते हैं तो आपके फोन की आईएमआई नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दिखने लगती है, दो नंबर शो किए जाते हैं आईएमआई के तौर पे। आप फोन में अब डायल करेंगे, पूछता है कई बार कि आईएमआई नंबर चेक करना तो क्या डायल करेंगे, उसके लिए डायल करेंगे आप स्टार हैज 06 है।
जैसे करेंगे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, ठीक है, सीरियल नंबर, ईएमआई नंबर सब कुछ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना चाहिए, इसमें से कौन सा कार्ड होना चाहिए, आईएमआई, पीसीआई, एनआईसी, टीडीआई। अब इसमें से चाहे तो आप ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हैं, आईएमआई को, टीडीआई को, बचा दो पीसीआई, एनआईसी। क्या लग रहा है, एनआईसी? ऑप्शन सी, एनआईसी को। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इंस्क्रिप्शन एल्गोरिथम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्क्रिप्शन एल्गोरिथम, सिफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, इंपर्टी टेक्स्ट या सिंपल टेक्स्ट? सिफर टेक्स्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। और इसका आंसर सब लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे, कोई बोलेगा नहीं। 12 नंबर का क्वेश्चन कॉपी में सबके सॉल्व होना चाहिए। चलिए सॉल्व करिए 12 नंबर का क्वेश्चन।